लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, फर्स्ट बटालियन 8 गोरखा राइफल्स, लद्दाख में एक अग्रवर्ती चौकी की कमान संभाले हुए थे। 20 अक्टूबर 1962 को चीन के सैनिकों ने उनकी चौकी पर तोपों और मोर्टारों से बमबारी शुरू करने के बाद भारी सैन्य बल के साथ आक्रमण कर दिया। उनके नेतृत्व में शत्रुओं की तुलना में बहुत कम संख्या में होते हुए भी भारतीय सैनिकों ने आक्रमण को नाकाम कर दिया। शत्रु ने दूसरी बार आक्रमण किया और इस बार भी उनका हमला विफल रहा। चीनी सैनिकों ने तीसरी बार आक्रमण किया, इस बार उनकी इन्फेंट्री की सहायता के लिए टैंक भी थे। भारतीय सैनिकों की संख्या काफी कम रह गई थी, फिर भी उन्होंने अंतिम क्षण तक मुकाबला किया। मेजर धन सिंह थापा ने चीनी सैनिकों द्वारा काबू में किए जाने से पूर्व आमने सामने के मुकाबले में अनेक शत्रु सैनिकों को मार गिराया। मेजर थापा के अद्भुत साहस, अदम्य शौर्य तथा नेतृत्व सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।